नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस वीक के कमेंट बॉक्स वीडियो के अंदर। और आज भी हर वीक की तरह इस वीक भी मेरे पास में काफी सारे सवाल थे और उसमें से कुछ सेलेक्टेड जो सवाल हैं मैंने उनको पिक किया है। और जिन लोगों के पिक नहीं कर पाया हो तो समझ के चलिएगा, या तो उसके ऊपर आपको कोई नई वीडियो मिलने वाली है या फिर उन जो वो जो सवाल हैं उसके वीडियो ऑलरेडी मैं पीछे अपने जो बैक वाले वीडियोज हैं उसमें बना चुका हूं, तो एक बार जाके उसको सर्च जरूर कर लीजिएगा। सो दोस्तों, आज का सबसे पहला सवाल हमसे पूछा है मनीष रावत ने, और मनीष रावत कहते हैं कि सर HD कैमरा में झिलमिलाहट बहुत आती है, क्लाइंट का ट्रस्ट टूट रहा है, रेटिंग्स डाउन हो रही है, प्लीज नीड योर हेल्प। तो देखिए मनीष जी, एक चीज मुझे बताइए कि अगर कैमरा का आविष्कार हुआ है, HD कैमरास बने हैं और काफी सारे लोग लगा रहे हैं, लाखों और करोड़ों कैमरास लग चुके हैं HD के अंदर ही, तो हर जगह तो झिलमिलाहट नहीं आती। अगर आप काम कर रहे हैं और आपके काम में कहीं ना कहीं झिलमिलाहट आ रही है, मतलब प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम कंपनी में नहीं है, या तो आप जो मटेरियल बाय कर रहे हैं, मटेरियल में जो एसेसरीज होती हैं, फॉर एग्जांपल केबल हो गया, कनेक्टर हो गया और पावर सप्लाई होगी, इन तीन की वजह से एक तो झिलमिलाहट आ सकती है अगर ये तीनों क्वालिटी अच्छी ना हो। दूसरा, आपकी यहां पर जो टीम है जो इंस्टॉलेशन करने के लिए जा रही है उसमें अच्छी सी फिनिशिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग अच्छे से इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर आपको वर्क करने की जरूरत है। आप अगर वहां पर वर्क करेंगे तो ये झिलमिलाहट है वो नहीं आएगी। हाँ, झिलमिलाहट आती है कुछ टाइम के बाद में, लेकिन वापस से उसको जब आप कनेक्ट करके डिसकनेक्ट करके वापस से उसको कनेक्ट करते हो तो वापस से वो ओके हो जाता है और आराम से चलता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है। हाँ, HD कैमरे में कुछ तकलीफें हैं, लेकिन जिस हिसाब से आप मुझे बता रहे हैं कि आपके क्लाइंट का ट्रस्ट टूट रहा है तो वो तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर वो साइट पुरानी है तो यू नीड टू चेंज। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी ऐसा मत करिए, सभी लोगों के लिए है कि हम लोग क्या करते हैं कि कई बार सामने वाले क्लाइंट के यहाँ पे 5 साल हो गए, 5 साल से कैमरा लगे हुए हैं, HD कैमरा की लाइफ कितनी होती है? बहुत ज़्यादा नहीं होती, उसके अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ में बोलना पड़ेगा, बोले सर अब वायर चेंज करने की ज़रूरत आ गई है, सो आपको वायर चेंज करने पड़ेंगे, कैमरा बार बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, आपको चेंज करना पड़ेगा, पावर सप्लाई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आपको करनी पड़ेगी। आप क्या करते हैं, आपका आदमी जाता है थूक लगा के वापस आ जाता है, मतलब जाता है ओके करता है, उस टाइम के लिए तो ओके हो जाता है, वापस 2-5 दिन के अंदर फिर खराब हो जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ खत्म हो गई है, इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। तो अगर बहुत पुरानी साइट है तो वहाँ पर मटेरियल को रिप्लेस करिए, और अगर नई साइट है उसमें सी प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आपके जो मेन पावर है उसके ऊपर काम करिए। अगला सवाल हमसे पूछा है सुंदरलाल ने, और सुंदरलाल कहते हैं कि कैमरा इंस्टॉलेशन में क्या टीवी का डिस्प्ले के लिए प्रयोग कर सकते हैं, टीवी देखने के लिए भी हो सकता है क्या? मतलब वो कॉमनली यहाँ पर ये पूछना चाहते हैं कि अगर एक ही डिस्प्ले है तो क्या उसमें हम कैमरा और जो उनका टीवी है दोनों एक साथ में यूज़ कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप कर सकते हैं, बस बशर्ते आपका जो टीवी है उसके अंदर 2 इनपुट होना चाहिए, या तो HDMI 1 HDMI 2 हो, या फिर एक HDMI और एक VGA हो। तो अगर ये 2 इनपुट होते हैं तो आप दोनों इनपुट यहाँ पर या तो HDMI में या फिर आप VGA के अंदर लगा कर टीवी का जो सोर्स का बटन होता है रिमोट का, वहां से आप स्विच कर सकते हैं दोनों को, तो एक ही टीवी में आप दोनों यूज कर पाएंगे। अगला सवाल हमसे पूछा है जास लाला ने, और जास लाला कहते हैं कि सर जी इंटरनेट डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? तो जो मेरा P2P वाला जो वीडियो है उसके ऊपर ये कमेंट था, तो P2P के अंदर अगर आप कैमरा देख पा रहे हो तो इंटरनेट भी देख ही पाओगे, मतलब डेटा से रिलेटेड कोई भी चीज़, चाहे वो आपका प्रिंटर हो गया वो शेयर कर सकते हो, कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हो, पूरा नेटवर्क बना सकते हो, कैमरा देख सकते हो, एक जगह का इंटरनेट दूसरी जगह पर देख सकते हो, तो वो सभी चीज़ें हो सकती है। अगला सवाल हमसे पूछा है वेंकश शेट्टी यादव ने, और उनका कहना है कि मिस्टर भरत, इन माई हाउस 8 कैमरा 2MP कैमरा इंस्टॉल्ड, मतलब 8 कैमरे उन्होंने लगाए 2 मेगापिक्सल के, और आई वॉन्ट टू रिप्लेस 2 आउटसाइड कैमरा विथ 2MP, मतलब जो बाहर उन्होंने जो HD वाले कैमरा लगाए हैं वो 2MP के IP कैमरा लगाना चाहते हैं, इज द एग्जिस्टिंग केबल यूजफुल और न्यू केबल रिक्वायर्ड? आई हैव 8 चैनल DVR, उनके पास में 8 चैनल का DVR है, वो पूछ रहे हैं कि क्या जो एग्जिस्टिंग केबल लगा हुआ है कि वो चल जाएगा या फिर नया लगाना पड़ेगा। तो मिस्टर वेंकेश शेट्टी, सीधी सी चीज़ है, अगर उन्होंने केबल कौन सा लगाया है वो आपने यहाँ पर बताया नहीं है, अगर उन्होंने केबल Cat6 लगाया हुआ है और उसके ऊपर अगर HD कैमरा आपको चला के दे रहे थे
तो आपको केबल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आईपी कैमरा के लिए। लेकिन अगर उन्होंने 3+1, 2+1 वाले केबल लगाए हैं जो एचडी कैमरा में यूज होते हैं, अगर वो केबल है तो आपको केबल चेंज करना पड़ेगा। एक चीज और यहां पर देख लीजिएगा कि आपका जो डीवीआर है, क्या वो डीवीआर आईपी कैमरा को सपोर्ट करता है। अगर आईपी कैमरा को सपोर्ट करता है तो कितने आईपी कैमरा को सपोर्ट करेगा, पहले वो भी एक बार चेकआउट करवा लीजिएगा। अगला सवाल हमसे पूछा है प्रसन्ना श्रेष्ठा ने, और उनका कहता है कि सर नमस्ते, हाउ फार कैन द लेंथ ऑफ द एचडीएमआई केबल, की एचडीएमआई केबल की मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है। तो ऑलरेडी मैं अपने पिछले वाले वीडियोस के अंदर कई जगह पर बता चुका हूं कि जो एचडीएमआई केबल होता है वो 1 मीटर, 1.5 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर के अंदर अवेलेबल हैं। 50 मीटर वाला जो एचडीएमआई केबल है वो बहुत कॉस्टली चला जाता है, करीबन 15,000 से लेके 20,000 की कॉस्ट उसकी मैंने सुनी थी आज से कुछ समय पहले। तो 50 मीटर में काफ़ी कॉस्टली है वो, और 20-25 मीटर वाला कॉमनली लोग यूज़ करते हैं, करीबन 3,000-5,000 की रेंज में आपको अलग अलग टाइप के क्वालिटी वाले केबल आपको उसके अंदर मिल जाते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा है ठाकुर रोशन ने, और ठाकुर रोशन कहते हैं सर हमें रिपोर्ट के लिए कोई पैसा देना पड़ता है, तो मतलब मैंने जो वीडियोस बनाए थे अबाउट द जब आपका फेसबुक हैक हो जाता है या फिर इंस्टाग्राम हैक हो जाता है तो उसके अंदर आप साइबर क्राइम का जो पोर्टल मैंने पूरा का पूरा वीडियो बना के रखा हुआ है तो वहां पर जाकर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरे भाई जब भी आप FIR करते हैं या रिपोर्ट करते हैं तो आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दैट इज़ द गवर्नमेंट एजेंसीज, वो हमारे लिए बैठी हैं और वो हमारे लिए काम करती हैं, सो आपको लीगली कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई आपसे पैसा मांगता है तो आप उसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा है नीलेश घाटोले ने, और नीलेश घाटोले कहते हैं कि हेलो सर, आई हैव इंस्टॉल्ड CCTV सेटअप इन अ फैक्ट्री, कैमरा डिस्टेंस फ्रॉम DVR इज ऑलमोस्ट 70-75 मीटर, ऑल कैमराज आर वर्किंग फाइन एक्सेप्ट 2 कैमराज, आई एम गिविंग देम पावर सप्लाई विद एक्स्ट्रा वायर इन 3+1 केबल, बट समटाइम्स कैमरा विजन ब्लरी और डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट इन द स्क्रीन। तो देखिए सर, जब आपने ये सेटअप किया आपके सभी कैमराज अच्छे से चल रहे हैं, 2 कैमरा में प्रॉब्लम आ रही है। अब वो प्रॉब्लम हो सकता है कि वहाँ पर पावर प्रॉपर नहीं पहुँच रहा है तो पावर का इशू हो सकता है, ब्लरीनेस आपने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है तो ब्लरीनेस का जो रीज़न होता है वो या तो केबल होता है या फिर कनेक्टर होते हैं, और बहुत ही समटाइम्स देखा गया है कि कई बार कैमरा भी फॉल्टी होते हैं। तो अगर आपकी जगह पर मैं होता तो मैं सबसे पहले ये करता कि कैमरा एक बार चेंज करके देखता, ठीक है, कि क्या कैमरा चेंज करने से रिजल्ट ओके हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कैमरा चेंज करने से रिजल्ट ओके हो जाता है मतलब कि आप समझ लेना कि आपका कैमरा फॉल्टी है, क्योंकि कैमरे के अंदर भी तो कनेक्टर होता है ना, क्योंकि कैमरा सिर्फ कैमरा नहीं होता, कैमरे के अंदर भी वो कनेक्टर वाला केबल होता है, तो कई बार वो भी फॉल्टी होता है, कैमरा ओके होता है लेकिन वो केबल फॉल्टी होता है। सो इस तरह से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 100% सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, फॉल्ट आपको ढूंढना है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ तो कि सबसे पहले आप कैमरा चेंज करके देख लीजिए, जो इजी होता है, 2 मिनट का काम है, इधर का कैमरा उधर लगा लीजिए। इसके बाद में भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप आपका जो BNC कनेक्टर है उसको एक बार चेंज करके देखिए, और फिर लास्ट में आपको केबल चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई मुझे ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। अगला सवाल हमसे पूछा है चंचल गहराई ने, और चंचल गहराई कहते हैं सर मेरे पास में एक 16 चैनल का NVR है दाऊआ का, उसमें 11 कैमरे हैं, NVR को जब सारा कैमरा ऐड करता हूं तब सही चलता है। उन्होंने मतलब कि NVR के अंदर सभी कैमरे आपने ऐड किए तब सही चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब मैं NVR को नाइट में ऑफ करता हूं, मतलब NVR को रात में बंद करते हैं, और जब ओपन करता हूं तो सारा कैमरा नहीं आता और IP भी चेंज हो जा रहा है, क्या करूँ हेल्प। बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है ये। एक्चुअली आपका जो NVR है आपको आपने उसको DHCP पे रखा हुआ है, सो आप नेटवर्क की सेटिंग में जाके DHCP ऑफ करिए और परमानेंट उसको आप एक IP दे दीजिए। एज वेल एज अगर आपने IP कैमरा के साथ में भी ऐसा ही किया हुआ है तो उनको भी स्टेटिक कर दीजिए, स्टेटिक IP दे दीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला सवाल हमसे पूछा है भटिंडा पिक्स PB03 ने, और उनका कहना है 100 मीटर से ज़्यादा दूरी पर POE स्विच वर्क करेगी क्या। जी हाँ, 100 मीटर से भी ज़्यादा अगर आप POE देना चाहते हैं तो एक्सटेंडेड पावर वाली POE आती है जो 250 मीटर तक का कंपनी क्लेम करती है, लेकिन हमने उसको 180 मीटर 200 मीटर तक चलाया है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, सो यू कैन गो विद द एक्सटेंडेड पावर वाली जो POE स्विच है उस पर। अगला सवाल हमारे पास में है ओम ग्रुप एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, और वो कहते हैं कि हेलो सर नमस्ते, मैंने लगभग 100 DVR और 500 के ऊपर कैमरा इंस्टॉल कर चुका हूँ। ओके, अच्छी बात है।
सर मुझे हमेशा एक प्रॉब्लम होती है कि मेरा कैमरा 30 मीटर केबल से ज़्यादा की दूरी में होता है तो वो कुछ दिन बाद ऑटोमेटिकली वीडियो छोड़ने लगता है, जबकि मैंने अच्छे से अच्छा केबल यूज़ किया, अच्छे से अच्छा पावर सप्लाई लगाया, महंगे से महंगे वीडियो बलून लगाए, फिर भी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कैमरा के पास एडेप्टर भी लगा कर देख चुका हूँ, कोई सॉल्यूशन दीजिए। एक बात और कि सर हर जगह पर एडेप्टर लगाना पॉसिबल नहीं होता, आप एकदम सही बात कर रहे हैं। नॉर्मल सी चीज़ है कि आपको 30 मीटर पे ही प्रॉब्लम आ रही है। एक चीज़ होती है कि आप अच्छे से अच्छा केबल यूज़ करते तो अच्छे की डेफिनेशन क्या, हमने पैसा दे दिया, ज़्यादा पैसा दे दिया, उससे हमने जो चीज़ खरीदी आप उसको अच्छा बोलते हो, या फिर सच में वो चीज़ अच्छी है। तो एक तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आप जहाँ से मटेरियल ले रहे हैं, वायर का ले रहे हैं या फिर कनेक्टर ले रहे हैं या फिर वीडियो बनून ले रहे हैं या फिर पावर सप्लाई ले रहे हैं, क्या वो सच में अच्छी है, ठीक है। एक तो ये चीज़ आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। दूसरी चीज़, अगर ये चीज़ें अच्छी हैं इसके बावजूद भी आपको 30 मीटर के बाद में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि वहाँ पर जो इंस्टॉलेशन करने के लिए आपकी जो टीम गई है वो टीम इतनी शार्पर नहीं है। क्योंकि आप में से हम लोग करीबन 2.5 लाख लोग हैं हमारे चैनल के ऊपर, सभी लोग काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं और भी बहुत सारे कर रहे हैं, तो 30 मीटर में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, फिर भी आपको वो प्रॉब्लम आ रही है, तो सोचने की ज़रूरत है कि आपकी टीम के ऊपर आप वर्क करिए, प्रॉब्लम वहीं पर मिलेगी। कि उनका जो इंस्टॉलेशन करने का तरीका क्या है, कैसे वो कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको वो करवाने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अगर आपकी टीम इतनी शार्पर नहीं हो पा रही है तो मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पर मैंने HD कैमरा से रिलेटेड कोर्स बनाए हुए हैं। सो आप वो कोर्स उनको प्रीफर करिए, उनको देखने के लिए दीजिए, ताकि वो और शार्पर हो जाएं और छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो ना करें। अगला सवाल हमसे पूछा है दीपक मूवीज खींचा ने, और वो कहते हैं कि सर जी नमस्कार, जैसे HD कैमरा में अलग से माइक लगाकर ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, क्या उसी तरह IP कैमरा में भी माइक कनेक्ट कर सकते हैं POE के साथ में? तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। देखिए, बहुत ही कम कैमरा मार्केट में ऐसे अवेलेबल हैं IP के अंदर जिसमें आप एक्सटर्नल माइक लगा सकते हैं। हाँ, कैमरा अवेलेबल है लेकिन हर ब्रांड में आपको नहीं मिलेंगे, OEM में ज़्यादातर हैं या फिर कुछ ब्रांडेड में है लेकिन वो अलग ही मॉडल है, ठीक है। तो और बाकी अगर आप माइक लगाना चाहते हो तो इनबिल्ट माइक वाले आपको IP कैमराज मिल जाएंगे, प्रीफर वही करिए। और जो एक्सटर्नल माइक वाले कैमराज हैं वो बहुत ही ना के बराबर मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी अगर आप वैसा कुछ कैमरा लेना चाहते हो तो मार्केट में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। सो यही थे आज के कुछ सवाल जिसको मैंने पिक किया और उनका जवाब देने की कोशिश की। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने जो जवाब दिए हैं उससे आप संतुष्ट हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की सब्सक्रिप्शन की, आप लोगों के लाइक की, आप लोगों के कमेंट की। और अगर आप और भी कोई सवाल है आपके दिमाग में चल रहा है सो कमेंट बॉक्स के अंदर सवाल मुझे रखिए, तो मैं ज़रूर अगले वीडियो के अंदर आपके उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो को देखने के लिए, आपका प्यार मेरे साथ में इसी तरह से बरकरार रखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।